दुनिया में कन्नड़ में आने भी कहते, तमिल में कालन कहते, मराठी में आलम भी कहते, ऐसे हर भाषा में इसको नाम है पूरी दुनिया में। तो इसमें 10,000 से ज्यादा प्रजाति थे, तो उतना सारा प्रजाति के ऊपर स्टडी करते जाओगे तो एक आयुष्य कम पड़ता। इतना साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च कर करके बुक्स बनाया, अमेरिकन रिसर्च सेंटर है, इंडियन रिसर्च सेंटर है, मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में काम किया और हूँ, हिमाचल प्रदेश सोलन से लेके, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से लेके, IIHR से लेके, इंडियन हॉर्टिकल्चर सभी रिसर्च सेंटर में काम करके, काम कराते, सिखाते, बुक्स लिखते, मोर देन 10 लैंग्वेज में बुक लिखा हूँ। तो मैं सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैं पूरी भारत देश के लोगों के लिए ये वीडियो है बना रहा हूँ। तो YouTube में आप लोग अच्छे से कंप्लीट स्टार्ट टू एंड तक ये वीडियो देखिए कि ये इसमें आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, 5,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करना है, डायरेक्ट मैं बिजनेस पे आ जाता हूँ। 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, एक महीने में आपको 1,00,000 से ज़्यादा इनकम मिलना है। आप कौन सा भी बिजनेस दुनिया में ढूंढ लेना, ओके, पूरी दुनिया में कोई भी ढूंढ लेना, अगर उससे भी ज़्यादा मिलता है, उतना मिलता है, तो आप ये वीडियो को साइड रख दीजिए। अगर यदि आपको कॉन्फिडेंटली इतना चाहिए तो मैं जितना पॉइंट्स बताता हूँ पूरा पॉइंट्स आप ध्यान से सुनते जाइए, वो 100% वाकई में उससे ज़्यादा हो जाता है अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, ध्यान से ये पढ़ लेते हैं, देखते हैं तो, राइट कम। अब बात यह है कि एक वैरायटी के बारे में बताता हूँ और 30 वैरायटी के ऊपर आप उगा सकते हैं। एक वैरायटी है कॉडिसेप मिलिट्री करके, उसको आप यूट्यूब में देख लो, उसका कॉस्ट होता है आज मार्केट प्राइस, इंडियन प्राइस 4,00,000 रुपीज पर किलोग्राम्स। बट वो सिखाने के लिए मैं ऐसे आसान से आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक वैरायटी से जाइए, एक दिन आप लोगों को सिखाऊंगा, तो मुझे फॉलो करिए। वन वैरायटी आपको मैं बताता हूँ, ऑयस्टर, मिल्की, बटन, सिटाके, गैनोडर्मा, ओके, आर्किंग ऑयस्टर, ईयर मशरूम्स, ऐसे बहुत सारा वैरायटी आप इंटरनेट में पढ़ लो, यूट्यूब में देख लो। तो वन वैरायटी आई विल एक्सप्लेन यू वेरी फ्यू मिनट्स में, और आइडिया बता देता हूँ क्या लगता है, क्या करना है, और करने के बाद आपको खर्चा कितना होता है, उसका आज प्रेजेंट मार्केट में रेट क्या है, आपको रिटर्न्स कितना मिलता है। ओके, स्टार्ट नाउ। एक ड्रम लेना है प्लास्टिक का, 200 लीटर का, 200 लीटर का, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कृषि का कच्चा वस्तु डालना है। कौन सा वस्तु डालना है? कृषि का कच्चा वस्तु कौन सा होता है? चावल का घास हो सकता है, गेहूं का भूसा हो सकता है, सोयाबीन का हस्क हो सकता है, या लकड़ी का भूसा हो सकता है, सिंगा का टरपड़ हो सकता है, या गन्ने का छिलका हो सकता है, गन्ने का वो रस निकालने के बाद जो रहता है बगैर शुगर फैक्ट्री में, वो हो सकता है। एनी वन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल एक लेना है 20 किलोग्राम 20 kg। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश की वजह से आप भारतीय ही तो भारत के बारे में आपको सोचना जरूरी है। मशरूम से डायबिटीज से लेके कैंसर तक का बीमारी ठीक होते, ध्यान में रखिए। आजकल जितना भी वेजिटेबल जो भी हम यूज कर रहे हैं, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसके बारे में कैंसर रिसर्च सेंटर ने स्टेटमेंट दिया है, विच वन केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स वी आर यूजिंग फॉर टूडे कल्टिवेटिंग फॉर आवर वेजिटेबल्स, दैट पेस्टिसाइड्स आर क्रिएटिंग अ मोर देन 1 dozen डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, फुल स्टॉप। आगे आप सोच लो, हॉस्पिटल बनाओ, रिसर्च करो, दवाई दो, करते जाओ। बट मशरूम रिसर्च सेंटर ये कहता है, अमेरिकन रिसर्च सेंटर लिटरेचर, मशरूम्स खाने से HIV/AIDS से लेके पेबुलस फंगस जो है वो हर एक कैंसर को ठीक कर देता, खत्म कर देता, ब्लड कैंसर तक की ठीक करने का पावर इसमें है। मेरे पास प्रिंटेड इंडियन एक्सप्रेस से लेके, द हिंदू पेपर से लेके, अमेरिकन पेपर से लेके आर्टिकल्स लाइव है, ओके।